दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग में एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसका आप लोग यूज़ करके आप लोग पता कर सकते हैं कि आपका घर कहाँ पे है, और आप लोग अपना पूरा का पूरा जो मैप्स में घर देख सकते हैं, लाइव आप लोग देख सकते हैं, और आप लोग जो है देख सकते हैं कि आपकी कार कहाँ पे रखी है, और आपका जो मकान है, आपकी विंडो है, सब कुछ आप लोग को यहाँ पर दिखाया जाएगा। और आप लोग की जो भी वायरिंग वगैरह रहेगी, वाईफाई की केबल वगैरह, और सारी की सारी आप लोग को यहाँ पर दिखाई देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग रास्ता जो होता है, तो आप लोग रास्ता को भी जो है फॉलो करके आप लोग आगे पीछे जा सकते हैं। देख सकते हैं मैं यहाँ पे जैसे ये रास्ता है तो मैं आगे इस रास्ता पे जा सकता हूँ, और ये देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ये मकान का काम चल रहा है इधर साइड में, तो यहाँ पे मकान का जो है ये सीमेंट वारू को मिलाने के लिए जो मशीन है वो भी इधर साइड में रखी हुई है। और आप लोग देख सकते हैं इधर साइड में जो एक यहाँ पे लिखा है जय हिंद मैमरो, तो ये भी सब कुछ यहाँ पे दिखाया जा रहा है। मैं और भी आगे जाता हूँ तो आप लोग गली गली जो है जा सकते हैं, यहाँ पे कौन सी गाड़ी कहाँ रखी है वो सारी आप लोग देख सकते हैं। ये देख सकते हैं पूरी की पूरी आप लोग गली यहाँ से देख सकते हैं, और आप लोग एक एक जो है कोना कोना आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ये आप लोग देख सकते हैं, मैं और आगे जाता हूँ तो ये जो कार वगैरह है वो सारी की सारी यहाँ पे दिखा रही हैं, तो आप लोग जो है सब कुछ यहाँ से देख सकते हैं। तो ये कैसे देखेंगे वो मैं आप लोग को बताऊँगा। यहाँ पर आप लोग अपने घर बैठे अपने मोबाइल से ही दुनिया का कोई भी कोना होता है वो आप लोग उसकी गली गली एक एक गली आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोग को फटाफट से बता देता हूँ कि आप लोग ये कैसे कर सकते हैं और कैसे देख सकते हैं आप लोग अपना गूगल मैप्स में अपना खुद का घर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम है सोनू कुशवाहा, और आप सभी लोगों का हमारे स्टैक टेक्निकल एस के चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों ये आप लोगों को एक एप्लीकेशन चाहिए होगी जिसका नाम है गूगल अर्थ। जी हाँ दोस्तों, और आप लोग गूगल अर्थ एप्लीकेशन को जो है प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। आप लोग चले जाइए प्ले स्टोर पे, मैं आप लोग एक बार दिखा देता हूँ। प्ले स्टोर पे चले जाइए और आप लोग को प्ले स्टोर पे गूगल अर्थ मिल जाएगा, ठीक है। ये रहा प्ले स्टोर, और आप लोग सर्च करेंगे प्ले स्टोर पे गूगल अर्थ तो आप लोग को ये वाली एप्लीकेशन मिल जाएगी। तो इस एप्लीकेशन को आप लोग अपने फ़ोन में डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। अब ये जो लोकेशन है आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, ये आप लोग अपने गाँव की, दिल्ली की, कोई शहर की सारी आप लोग लोकेशन यहाँ पर देख सकते हैं। अभी ये जो लोकेशन आप लोग देख रहे हैं ये दिल्ली की लोकेशन है, और ये जो आप लोग हाईवे है ये पूरी की पूरी हाईवे यहाँ पर दिखाई जा रही है, ठीक है। और ट्रैफिक वगैरह वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसको मैं यहाँ पे जूम आउट करूँगा तो आप लोग देखेंगे ये हमारा एक अर्थ है वो आप लोग को यहाँ पे दिखाया जाएगा। ये देख सकते हैं छोटा सा अर्थ है, और ये देख सकते हैं आप लोग इस तरीके से इस अर्थ को पूरा का पूरा यहाँ पे देख सकते हैं। ये गूगल का अर्थ है, और इसको आप लोग जूम करके भी देख सकते हैं यहाँ पर कहाँ पर पानी वगैरह भरा हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं सब कुछ यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। ये देख सकते हैं, अब मैं यहाँ पर इसको जो है ओपन करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं, इसको जूम करके आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दिल्ली है, यहाँ पे सोनीपत है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है गुड़गांव है, गुरुग्राम है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं गुरुग्राम को ओपन करता हूँ, ये देख सकते हैं पूरी की पूरी यहाँ पे शहर है, ये आप लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं पूरा का पूरा यहाँ पे गुरुग्राम का पूरा यहाँ पे ये शहर है, ठीक है। इसको आप लोग जूम करिए और आप लोग देख सकते हैं, जूम करिए पूरा का पूरा जो शहर है यहाँ पे बसा हुआ है, ये देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोग ओपन करेंगे तो आप लोग यहाँ पे जो है सब कुछ देख सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे 2D का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से आप लोग 2D में देख सकते हैं। और यहाँ से आप लोग जो मेन के आइकन पे क्लिक करेंगे तो आप लोग गली में जाना चाहते हैं और जिस रोड पे जाना चाहते हैं वहाँ पर आप लोग जा सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ब्लू ब्लू जो डॉट है, लाइन है, यहाँ पर आप लोग यहाँ पर जो है जाके लाइव जो है 3D देख सकते हैं। यहाँ पर ये रोड है, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और लोडिंग स्ट्रीट व्यू, और आप लोग देख सकते हैं यहाँ से आप लोग जो है जा सकते हैं। और ये देख सकते हैं ये रास्ता है, ये आप लोग यहाँ से रास्ता को फॉलो करके जा सकते हैं। यहाँ पे पूरी की पूरी जो रास्ता है वो आप लोग यहाँ से कवर कर सकते हैं, ये देख सकते हैं पूरी की पूरी 3D रास्ता है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं यहाँ पर जो कार वगैरह खड़ी हैं तो आप लोग पूरा का पूरा यहाँ पर व्यू है और वो आप लोग देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा कैमरा व्यू है, वो सब कुछ आप लोगों को यहाँ पर दिखाया जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं बैक करता हूँ, और बैक करने के बाद यहाँ पे मैं अपना गांव सर्च करूँगा। आप लोग देख सकते हैं मैं यहाँ पे अपनी जो शहर है पहले डालता हूँ, और उसमें मेरा गांव है वो मेरा आएगा। यहाँ पे मैंने जैसे सिलेक्ट किया मैनपुरी, और ये देख सकते हैं यहाँ पे ये जो लोकेशन है वो ट्रैक कर रहा है यहाँ पर, और ये देख सकते हैं यहाँ पर आ चुका हूँ। अब आप लोग को ये मेरी जो शहर है वो आ चुका है, अब इसमें मेरा गाँव है तो मैं उसको सर्च करूंगा। पहले मैं इस पर जो है क्लिक करता हूं मैन के आइकन पे। अब ये जो ब्लू ब्लू डॉट दिख रहे हैं तो यहाँ पे आप लोग इस जगह के जो है 3D आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो ब्लेज है यहाँ पे इधर साइड में आप लोग को दिखा देता हूँ, ये
इधर साइड में एक ब्लेज है, तो यहाँ पे मैं इस पे जो क्लिक करता हूँ ब्लू पॉइंट पे, तो ये लोडिंग व्यू दिखा रहा है, लोडिंग स्ट्रीट व्यू। और आप लोग देखेंगे, ये देख सकते हैं मैं इस गांव में पहुँच चुका हूँ। अब ये देख सकते हैं ये जो ब्लेज है, तो आप लोग इधर की आसपास की जो चीज़ें हैं वो देख सकते हैं। ये मकान है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बाइक वगैरह खड़ी है। तो ये ट्रांसपोर्ट वाला जी है, तो एक होटल है, तो यहाँ पे आप लोग जा सकते हैं। मैं आप लोग को और भी जगह लेके चलता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और भी जगह है यहाँ पे गांव में लेके चलता हूँ आप लोग को। तो ये जो गांव है वो यहाँ पे आ रहे हैं, मैं यहाँ पे आप लोग को दिखा देता हूँ। ये जो एक यहाँ पे है विनायकपुर, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ विनायकपुर पे, तो ये लगभग मेरा ही यहाँ पे बगल में ही है। तो यहाँ पे जहाँ ब्लू पॉइंट दिखते हैं वो यहाँ पे दिखा रहा है। अब विनायकपुर में जैसे मैंने घुसा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये विनायकपुर की जो लोकेशन है वो यहाँ पे आ चुकी है। तो इस लोकेशन पे मैं गया हूँ और ये देख सकते हैं इधर गाय बंधी हुई है, भैंस बंधी हुई है, तो सब कुछ यहाँ पे दिखा रहा है। और इधर ये नल है, और नल से जो यहाँ पे 360 डिग्री में कैमरा है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इधर ये मकान है, तो सब कुछ आप लोग को यहाँ पे दिखता है, ठीक है, ये देख सकते हैं। और इनको जूम करके भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, तो ये आप लोग जो है देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग गूगल अर्थ का यूज़ करके आप लोग अपने गूगल मैप्स में अपना घर देख सकते हो। ये देख सकते हैं ये मेरा घर है, तो यहाँ पे ये मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से गूगल मैप्स में आप लोग खुद का अपना घर देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को गूगल मैप से अपना घर देखने में कोई भी दिक्कत है, परेशानी आ रही है, कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा, मैं आप लोग को रिप्लाई जरूर से कर दूंगा। सो गाइस, फिलहाल के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय।